अलग ही तरह की है, एक अलग ही लेवल पर बनी हुई है। बहुत से लोग ये सोच कर जाएंगे सन्नी देओल है तो जो चीज़ सही है उसे सही दिखाओ और जो गलत है उसे गलत दिखाओ। चुप। फिर से स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज का हमारा ब्लॉग नंबर होने वाला है 64। और आज का सीन ये है कि सुबह से उठ के यहाँ पर, मतलब 3-4-5 दिन से मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ कि डेली बारिश हो रही है, और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारे निक्कर तक नहीं सूख पा रहे हैं भाई। इतनी ज़्यादा बारिश में लोग परेशान हो गए भाई। यहाँ पे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब ठीक है, बारिश होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आदमी को बाहर निकलने का मौका भी ना मिले। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके डेली काम होते हैं बाहर के, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो लोगों को, मतलब बड़ी मुश्किल हो रही है यार। बारिश रुक ही नहीं रही है यार बिल्कुल भी। इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, मतलब होनी चाहिए लेकिन इतनी नहीं होनी चाहिए। तो आज का सीन तो यही है, अभी मंदिर पर हूँ, कमरे पर जाते हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं, फिर मिलते हैं। अब ना यार कोई बिल पचना लगी अपने। अभी नहीं, अब कौन सा कैंसिल हो रही, अभी प्रोसेस में है। जब तक बैंक का सक्सेस का मैसेज नहीं आएगा तब तक थोड़ी ना होता है। फिर को 24 पर भी फर्स्ट हो गया है ना कि भाई मैं कितना भी घूम लो अपने ठिकाने पर समय से पहुंच जाओ। फोन दे दिया। चुप चुप। अरे लेडीज में जा रहा भैया, कोई कोई है क्या उधर? अरे उधर है। लाइट जलाओ, लाइट। आ रहा हूँ। लाइट लाइट चल रहे हैं। एक मिनट बैठ जा तेरे। यार भाई रिव्यू दे दे मोनू। हाँ रिव्यू दे दे यार, कैसी लगी फिल्म? क्या है यार अभी कुछ जान दो समझ लो। आप एक 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 मैसेज दिया गया है अलग तरीके का। एक तो बारिश नहीं बंद हो रही यार, बारिश बारिश। हाँ जी, तो सीन अभी का ये है कि मतलब कल रात को जब मैं फिल्म देख के आ रहा था, फिल्म वगैरह हमने सब देख ली, अचानक से प्लान बन गया था फिल्म देखने का, और फिल्म देखकर जब मैं आ रहा था तो बारिश हो रही थी, बारिश में भीग गए थे। जब फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, रात को आए, फिर खाना वाना खाया और सो गए। तो मूवी के रिव्यू की अगर हम बात करें तो मूवी कैसी है? देखो ये मूवी एक अलग ही तरह की है, एक अलग ही लेवल पर बनी हुई है। ट्रेलर आपने देखा तो आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट था कि फिल्म में सस्पेंस होगा, एक बहुत मारधाड़ होगी, या फिर एक अजीब फिल्म होगी। मतलब आप ऐसे सोचोगे रोमांचक भरी फिल्म होगी। रोमांच तो है लेकिन एक अलग तरह का रोमांच आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और सन्नी देओल, बहुत से लोग ये सोच कर जाएंगे सन्नी देओल है तो भाई मारधाड़ होगी, सन्नी देओल गुस्सा करेगा, ये कर, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक अलग ही लेवल का, मेरे ख्याल से ऐसी फिल्म मुझे लगता है पहली बार बनाई गई है। स्टार देने वालों को, मतलब जो क्रिटिक्स होते हैं जो फिल्म का रिव्यू करते हैं, बस ये इस फिल्म में ये सही दिखाया गया है कि जो चीज़ सही है उसे सही दिखाओ और जो गलत है उसे गलत दिखाओ। जो सही को गलत और गलत को सही बोल रहा है पैसे लेकर या वैसे, उसको मार दिया जाता है। यही फिल्म की स्टोरी है। और एक्टिंग की अगर बात करें, डुप्लेक्स सलमान जो है कमाल की एक्टिंग की है यार उसने।
और सनी देओल तो ठीक है, मतलब वह तो बढ़िया ही रहते हैं हमेशा। तो फिल्म यही, अगर आप, बहुत से लोगों को जो मेरे साथ गए थे उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि फिल्म एक सिंपल बेस पर चल रही थी ना, फिल्म में कोई ऐसा सस्पेंस आ रहा था, विलन का भी फर्स्ट हाफ में ही पता चल जाता है, और स्थिर एक फिल्म ऐसे चलती रहती है ना, कोई ऊपर नीचे फिल्म कहीं नहीं जाती है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, आपको सब कुछ पता होता है, कहानी शुरू से चीख चीख के कह रही होती है कि ये विलन है, और फर्स्ट हाफ में ही हमें पता चल जाता है कि ये विलन है, और बस बस वैसे ही कहानी चलती रहती है, बिल्कुल सीधी कहानी, कहीं उतार चढ़ाव ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी फिल्म अगर आप देखना पसंद करते हो तो जरूर जाकर देखना, फिल्म मुझे तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे साथ जितने गए थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अलग ही लेवल की कहानी है। और जो पुरानी फिल्मों का, जो गुरुदत्त साहब का उनमें उसमें वो लिया, गुरुदत्त साहब को आप जानते होंगे, एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, कागज़ के फूल उनकी आखिरी फिल्म थी, जो कि उस समय पर नहीं चली गई थी, लेकिन आज के समय पर वो हिट फिल्म है, तो उसी को लेकर ये फिल्म बनाई गई है कि आप एक गलत रिव्यू देखकर किसी फिल्म को डुबो देते हो, तो वो सब दिखाया गया है। तो आप जाकर जरूर से फिल्म देख लेना, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ यार मैं, और तो फिल्म अच्छी है, जाकर जरूर से चेक करना। तो यही मैं सब बताने आया था, अभी मैं चलता हूँ, आज अगला दिन है, अब आप मेरा अगला व्लॉग जाकर देखना, और ये था हमारा आज का व्लॉग, तो व्लॉग को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।